नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कोल्हान के कमिश्नर ब्रज मोहन कुमार ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले के छठ घाटों का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिया। कोल्हान के आयुक्त ब्रज मोहन कुमार ने पूर्वी सिंहभूम जिले के छठ घाटों का निरीक्षण किया। इनके साथ डीडीसी सूरज कुमार, जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी संजय पांडे समेत अन्य पदाधिकारी शामिल थे। आयुक्त ने रवानी सती घाट में व्याप्त गंदगी से नाराजगी जताई तथा जल्द से जल्द घाटों से गंदगी को साफ करने का निर्देश दिया। उन्होंने रानी सती घाट में शौचालय निर्माण की बातें भी कही। छठ पर्व से पूर्व व्रतधारियों के लिए घाटों को दुरुस्त कर लेने का निर्देश दिया गया। दो मुहानी घाट में श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक होती है। आयुक्त ने इस घाट पर व्रतधारियों को हर सहूलियत मुहैया कराने का आश्वासन दिया। भाई, निरीक्षण तो आप समझ ही रहे, अभी छठ हो रहा है, दिवाली हो रहा है, काली पूजा हो रहा है, तो इसकी साफ सफाई हो जाए, सारी व्यवस्था हो जाए, सुरक्षात्मक तरीके से छठ संपन्न हो जाए, इसी की व्यवस्था को देखने के लिए आए हैं। और आगे क्या हम करेंगे, ये हमारी प्लानिंग क्या होगी जिससे हम कर सकेंगे, तो सारे ऑफिसर्स आए हैं। जो जो कमी बेसी, अभी जैसे हमने बोल दिया शौचालय देख, हाँ, चूंकि शौचालय गंदगी सामने नजर आई, ठीक है ना, तो इसी तरह अगर फ्री हम लोग प्लानिंग करेंगे तो जो जो सुधारात्मक काम है हम लोग करेंगे। तीन सूत्री मांगों को लेकर ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने आज दूसरे दिन भी जमशेदपुर के मानगो के उलीडी थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर के पास चक्का जाम कर दिया। साथ ही ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने शहर में प्रवेश करने वाले सभी भारी वाहनों को सड़क पर घंटों रोक दिया। वहीं ट्रांसपोर्टर वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं करने दिए। पुलिस मुख्य दर्शक इस दौरान बनी रही। हड़ताल की वजह से सैकड़ों भारी वाहन ट्रांसपोर्ट नगर में ही खड़ी रही। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से रोज डीजल के दामों में बढ़ोतरी का विरोध वे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दो दिनी हड़ताल से लगभग 100 से 150 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रदर्शन कर रहे हैं और सारे ट्रांसपोर्टर आज भी एकत्रित हैं यहाँ पे, लेकिन जो गाड़ी बाहरियां बाहर से आ रही है एनएच पे, उसको हम लोग शहर में इन्होंने नहीं दे रहे हैं। ठीक, आप एनएच से आ रहे हैं तो आप बाहर से बाहर चले जाइए। और हम लोग जो भी प्रदर्शन है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, और आप लोग भी यहाँ पे हैं, पूरा मीडिया भी देख रही है, पूरी जनता भी देख रही है, जनता को हम लोगों ने कोई परेशानी अपनी ओर से नहीं होने दी। कितना सहयोग मिलता जी ट्रांसपोर्टरों का, कितना ट्रांसपोर्टर का पूरा सहयोग है। कोई भी गाड़ी अभी दिन में एक भी गाड़ी नहीं निकली। क्या लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा, असर होगा? देखिए, एक मैसेज तो पूरे हिंदुस्तान में इससे जाएगा कि जमशेदपुर में बंदी हुआ और पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहां भी अपना एसोसिएशन है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का, सब लोग बंद करवा रहे हैं। इसका मैसेज सरकार के पास भी जाएगा और सरकार जब देखेगी तो उस पर जरूर हमको उम्मीद है कि वो विचार करेगी शांति को। जी, तक में जमशेदपुर शहर में कम से कम 100-150 करोड़ का नुकसान हो चुका है। 5 लाख का इनामी फरार अपराधी अखिलेश सिंह को पुलिस ने जाल बिछाकर आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। गुड़गांव में अखिलेश सिंह के ठिकाने पर पुलिस के पहुंचते ही अखिलेश ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई जिससे अखिलेश के पैर में गोली लगी। मोस्ट वांटेड अपराधी पुलिस के लिए सिरदर्द बने अखिलेश सिंह को आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा। आपको बता दें, पुलिस ने जाल बिछाकर गुड़गांव में अखिलेश सिंह के ठिकाने पर दबिश दी। पुलिस को देखते ही अखिलेश ने गोली चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। एक गोली अखिलेश के पैर में लगी। घायलावस्था में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। व्यवसायी उपेंद्र सिंह, जेलर उमा शंकर पांडे, श्रीलेदर के मालिक आशीष जे, टाटा स्टील के सुरक्षा अधिकारी जयराम सिंह, ट्रांसपोर्टर अशोक शर्मा की हत्या करने तथा जज आरपी रवि पर फायरिंग समेत झारखंड बिहार में 50 से अधिक मामलों में पुलिस को अखिलेश की तलाश थी। आखिरकार 5 लाख के नामी अपराधी को पुलिस ने दबोची लिया। गुड़गांव में अखिलेश वेश बदल कर रह रहा था। मुठभेड़ के दौरान अखिलेश की पत्नी भी उसके साथ थी। पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया। सूत्रों के अनुसार फिलहाल पुलिस अखिलेश सिंह को जमशेदपुर नहीं लाएगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसे गुड़गांव के जेल में ही रखा जाएगा। आपको बता दें, पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी अनुपति मैथ्यू, ग्रामीण एसपी प्रभात कुमार दोनों ही गुड़गांव में है। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अखिलेश सिंह पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर कई शहरों में डेरा जमाए हुए था। आखिरकार पुलिस द्वारा उसकी संपत्तियों के दस्तावेजों तथा रंगदारी के स्रोतों को बंद कर दिए जाने के बाद उसकी स्थिति खराब होने लगी थी। उसके करीबियों को पैसे की लालच देकर पुलिस ने अपने साथ कर लिया था।
काफी दिनों से डॉन को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछा रखा था। देहरादून, बनारस, नोएडा, जयपुर, गुड़गांव में अखिलेश ज्यादा रहता था। इसकी भनक पुलिस को लग चुकी थी। हर शहर में डॉन ने अपने कुछ नुमाइंदे पाल रखे थे, जिन्हें बाकायदा तनख्वाह दी जाती थी। इन्हीं नुमाइंदों को पैसे का लालच देकर पुलिस ने अपने साथ कर लिया और पल पल की जानकारी पुलिस को मिलती गई। आखिरकार गुड़गांव के विस्कॉन गेस्ट हाउस से पुलिस ने डॉन को गिरफ्तार कर लिया। 5 लाख का इनामी अपराधी फिलहाल पुलिस के कब्जे में है, पर जेल से अखिलेश को बार बार बेल मिल जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। जान जोखिम में डालकर पुलिस इस शातिर अपराधी को गिरफ्तार करती है, पर कोर्ट से उसे बेल दे दिया जाता है। फरारी के दौरान देश के विभिन्न कोने से अखिलेश अपना कमांड व्यवसायियों पर चलाते रहता है और आड़े आने वालों को कत्ल भी कर दिया जाता है। बेसिकली ये क्रिमिनल का नाम है अखिलेश सिंह। इसके ऊपर अभी तक हम लोगों का रिकॉर्ड्स में जो है 56 केसेस है, उसमें 10 से अधिक मर्डर का केसेस है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट मर्डर में जो है एक जमशेदपुर का जो जेलर का मर्डर किया था, इसमें इनका आजीवन कारावास का सजा ऑलरेडी हो चुका है। और उसके अलावा जो जिस जज के द्वारा जो आजीवन कारावास का सजा सुनाए थे उनके ऊपर भी फायर किए थे। और इसके अलावा जो है इसका राइवल गैंग का लीडर परमजीत सिंह नाम का लीडर है, उसको जेल के अंदर मर्डर कर दिया था। और उसके बाद दूसरा राइवल ग्रुप का लीडर बना उपेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति, उसका लास्ट ईयर कोर्ट के अंदर से मर्डर कर दिया था। और एक्सटोर्शन का काफी सारा केसेस है। और जमशेदपुर का और झारखंड का सबसे बड़ा एक व्यवसायी था आशीष डे नाम का, उनका श्रीलदर्स नाम का जो शू का फैक्ट्री है, शू कंपनी है, उसका ओनर है। एक्सटोर्शन पैसे मनी के लिए आशीष डे का मर्डर किया था 2008 में। इसी तरह काफी मर्डर का केसेस है और एक्सटोर्शन का केसेस काफी है। और लास्ट ईयर हम लोग काफी इसके पास से काफी डॉक्यूमेंट्स मिला था प्रॉपर्टी का, करोड़ों का प्रॉपर्टी इधर बेसिकली नोएडा में, जबलपुर, बनारस, हरिद्वार, जयपुर, काफी जगहों में काफी प्रॉपर्टी का डिटेल्स मिला था। ये मैटर हम लोग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ऑलरेडी रेफर कर चुका है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका इंक्वायरी अभी ईडी के द्वारा इसका कर रहा है। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने शुक्रवार को अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अस्पताल के सफाई कर्मचारी शामिल थे। इस दौरान सभी सफाई कर्मियों ने अपने स्थायीकरण की मांग को लेकर प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सभी कर्मियों ने अस्पताल में घूमकर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ अपना विरोध जताया। साथ ही सफाई कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अस्पताल के अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। 15-16 वर्षों से कर रहे हैं तो इन लोगों का मांग है, और सरकार ने एक चिट्ठी 1/9/2017 को एक चिट्ठी भेजा है कि आप अपने यहाँ के सारे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सूची उपलब्ध कराने का ये करें। आज तक अस्पताल प्रबंधन के द्वारा किसी भी तरह का सूची उपलब्ध सरकार को नहीं कराया गया है, और हम लोग इसीलिए अधीक्षक साहब से मांग करने जा रहे हैं कि जब सरकार इन लोगों के बारे में मांग कर रही तो आपको पत्र भेजने में क्या दिक्कत है। ये पहला मांग है। दूसरा मांग है कि ओशियन इंटरप्राइजेज के द्वारा 2015 में उनका टेंडर हुआ था, जिसमें 3,33,000 रूपया 2015 में ही उनको मिल गया था, और टेंडर शुरू होने के 6 माह के अंदर कर्मचारियों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे दी जानी थी। उसके बावजूद जो है आज 2 वर्ष खत्म हो गया उनका टेंडर, उसके बावजूद भी ट्रेनिंग के संबंध में कोई प्रक्रिया न कॉलेज प्रबंधन की तरफ से न अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई रुचि दिखाई गई। और कर्मचारी यहाँ के काफी आक्रोश में है। हम लोग मांग करेंगे कि उनका टेंडर जो है उनका निविदा को उनको ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए। आगामी दिनों में दीपोत्सव है और इस त्योहार में पटाखों के अवैध भंडारण के मद्देनजर जिला प्रशासन की टीम ने शनिवार को जगसलई क्षेत्र के कई पटाखा व्यवसायियों के गोदामों में छापेमारी की।
ढालपुर अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर ये छापेमारी की गई, जिसमें क्षेत्र के डीएसपी विमल कुमार शामिल रहे। इस दौरान जोकसलई इलाके के कई पटाखा व्यवसायियों के गोदामों पर छापेमारी की गई, साथ ही स्टॉक की जांच भी हुई। वैसे प्रत्येक वर्ष इन व्यवसायियों के द्वारा बड़ी मात्रा में पटाखों का अवैध भंडारण दीपावली के दौरान की जाती है और इससे बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। शनिवार को जोकसलई क्षेत्र में चले इस छापेमारी के दौरान कई व्यवसायियों कार्रवाई भी की गई। अवैध भंडारण है, उसके खिलाफ में छापेमारी की जा रही है पटाखों का, जहां पे भी अवैध स्टॉक की जानकारी मिल रही है, टीम बनाई गई है और उसके आधार पर छापेमारी की जा रही है। कितना होने का अनुमान है ट्रेडर भाई? अभी तो हम लोग रेड करना शुरू किए हैं, जैसे जैसे आगे पता चलेगा जो भी छापेमारी में जो भी चीजें आएंगी वो आप लोग देख लेंगे। अभी देखे नहीं है, अभी हम लोग अब कितने का है क्या है, पर जो भी अवैध भंडारण है वो ओवर स्टॉक पता चल जाता है उनके, जिनको जो अगर लाइसेंस भी इशू किया गया होगा तो उससे ज्यादा है तो उस पर हम लोग जो है वो क्या कार्रवाई होती है लोगों? अभी कार्रवाई हो रही है, अभी जो भी उसका स्टॉक आएगा उसके हिसाब से जो है दिसंबर कार्रवाई की जाएगी। सर अंतिम सवाल, खतरनाक मानते रियासी इलाके में बड़ा बड़ा हादसा हो चुका है, अभी बारह घोड़ा का इतना बड़ा हुआ है? नहीं, जिस तरह से है आने जाने में भी यहाँ पे रेस्क्यू करने में भी थोड़ी परेशानी है, तो जिस तरह से है ओवर स्टॉक अगर वैसे जगह पर रिहायशी इलाके में करके रखे हैं तो वो तो इलीगल है और उस पर कार्रवाई की जाएगी।